जय जिनेन्द्र सा। श्री शत्रुंजय मंडन युगादि देव सर्वप्रथम वर्षित पाराधक श्री ऋषभ देवाय नमः। जिन शासन सवाहक श्री मणि बुद्धि मुक्ति कमल केशर चंद्र प्रभव चंद्र हेम प्रभ सूरीश्वरेभ्यो नमः। मंगल आशीर्वाद एवं पावन निश्रा श्री विज्ञान प्रभ सूरीश्वर जी महाराजा श्री मुंबई महानगर के वी शांताराम के राजकमल स्टूडियो के प्रांगण में श्री राजकमल आदिनाथ प्रभु की शीतल छाया में दिनांक 15 मई 2021 को आराधनामय वर्षित पारणा उत्सव सरकारी नियमानुसार धूमधाम से मनाया जाएगा। वर्षित की प्रेरणादात्री और कोरोना के कठिन समय पूरे साल भर से निश्रा व तपस्वियों की आस्था की केंद्र की परम उपकारी परम पूज्य साध्वी श्री वात्सल्य रत्न श्री जी महाराज अध्यक्ष श्री जयंतीलाल जी दोषी के कार्यकाल में श्री धीर जी मेहता के संयोजन में व महेंद्र जी साटिया के सहयोग से व संघ के युवानों कठिन प्रयास से वर्षित पारणा महोत्सव पूर्ण होने जा रहा है। निमंत्रक आयोजक श्री आदिनाथ राजकमल जैन संघ व वर्षित पारणा समिति। अत्यंत खुशी और हर्ष की बात यह है कि महोत्सव में छायांकन सारा जैन इवेंट द्वारा होगा। पधारोसा अनुमोदना करोसा, पधारोसा अनुमोदना करोसा। दम्बो मंगलम कीटम अहिंसा संजमोतवो देवावीतम नमम संति जस दम्मे सयामनो। चातुर्मास के अंदर प्रवेश हुआ, आदिनाथ प्रभु की निश्रा में चातुर्मास शुरू हुआ। उसके अंदर ही चातुर्मास जैसे पूर्ण होने आया था तभी अंदर से स्फूर्णा हुई कि इधर श्री आदिश्वर भगवान की छत्र छाया है राजकमल के अंदर, और यहाँ पे भी भले संघ छोटा है पर आराधक वर्ग बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पे भी वर्षितप का आयोजन कराने का प्रेरणा करने का मेरे को मन हुआ। उसके अंदर के जो प्रभु युगादि देव भगवान ने प्रथम संयम धर थे, प्रथम राजेश्वर थे और प्रथम ही उन्होंने जो तप किया था वो है ये वर्षितप। ये वर्षितप के अंदर वो खुद 400 दिन के अंतराय के कारण प्रभु आदिश्वर भगवान ने दीक्षा लेके गोत्री के लिए निकले और खुद के अंतराय कर्म के कारण 400 दिन तक गोत्री नहीं मिली और ये वर्षितप हो गया। पर अपना भी ऐसा ही है, जब वर्षितप चालू किया और उसके अंदर भी अंतराय बहुत आए हैं, और जैसे भगवान ने भी 400 दिन तक समता सहन करके खुद का ये समय काटा था, वैसे ही आराधकों ने भी के पहले आराधना दर्शन बंद हो गए तो भी आत्मदर्शन के अंदर लग गए। इधर इसके अंदर ब्याश ने भी बंद हो गए तो घर में जेरना पूर्वक अंतराय कर्म आए कि जिसके वजह से घर पे ही वर्षितप करने का समय आया तो भी लोगों ने मुंह बिगाड़े वगैरह मुंह को भी मोड़े वगैरह काम किया। युगादि देव आदिश्वर भगवान ने जो प्रथम सही राजेश्वर बने, जो प्रथम संयमधर बने, जो प्रथम तीर्थंकर बने, उन्होंने ही प्रथम ये तप किया था, उनके ही पगले पे आज राजकमल संघ में भी ये तप कराने का अंदर से भाव जागा। ट्रस्टियों ने पर इस पे जोर दिया और आराधकों भी जुड़ गए। जो भगवान ने अपने पूर्व कर्म पूर्व भव में बांधे हुए कर्म उदय में आने की वजह से 400 दिन तक गोचरी जाने पर भी जो आहार की प्राप्ति नहीं कर पाए, और ये प्राप्ति नहीं होने से उनको 400 दिन के बाद पारणा हुआ, उसके अंदर उसने सहन किया, समता भाव से ये कर्म को क्या किया है तो सहन किया। दिव्य आशीष वर्षावनार परम पूज्य हेमप्रभ सूरीश्वर जी महाराज साहेब तथा परम पूज्य बा महाराज ना चरणों में वंदन।
વળી કે જેમને દૂર રહીને પણ નિશ્રા પ્રદાન કરી છે એવા અને હંમેશા એમના પણ આશીષ વર્ષ્યા છે આ સંઘ ઉપર એવા વર્તમાન ગચ્છાધિપતિ વિજ્ઞાન પ્રભ શુરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ, મારા દાદીગુરુ હર્ષકુણાશ્રીજી મહારાજ સાહેબ અને મારા પરમ ઉપકારી અમારા માસી મહારાજ અને ગુરુ મહારાજ એવા જયરત્ના શ્રીજી મહારાજ સાહેબના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન કે જેને આ અણગઢ પથ્થરને ઘાટ આપી અને અહીંયા સુધી પહોંચાડ્યો છે, તેમનો ઉપકાર પણ હું ક્યારે પણ ભૂલી શકાય એમ નથી. શ્રી આદિનાથ રાજકમલ જૈન સંઘ પ્રણામ. મેં અત્યંત અભિભૂત હું, કિન શબ્દોમાં મેં અપની ખુશી કા ઇઝહાર કરું કે ગુરુદેવ કે સાનિધ્ય મેં, રાજકમલ કે પ્રાંગણ મેં ધર્મ કા એસા કમલ ખીલા જિસકી સુગંધ કી ચર્ચા આ ચહુ ઓર હૈ. હમારે તપસ્યો કે મજબૂત આત્મબલ કાઈ ફલ હૈ જો કરોના ભી હમારે નિર્ણય કો ડિગા નહીં સકા. કઈ જગહ વસી તપ કી તપસ્યા રદ હો ગઈ, લેકિન હમારે યહાં વસી તપ કી તપસ્યા અવિરામ અવિરલ ગતિશીલ રહી. કોરોના કે ભયંકર વજ્રપાત કે બાવજૂદ હમને દોનો ઓલી આસોજ માસ ઓર ચૈત્ર માસ કી સફલતમ આયોજિત કિયા, યહ હમારે લીએ ગર્વ ઓર સંતુષ્ટિ કી બાત હૈ. સાધ્વીજી શ્રી પરમ પૂજ્ય વાત્સલ્ય રત્ના શ્રીજી કી ઉપસ્થિતિ વ ઉનકા સાનિધ્ય મેં ધર્મ કી એસી લહેર ફેલાઈ કે કોરોના કી લહેર હમારે યહાં કે તપસ્યો કે હોસલે કો ડિગા નહીં પાઈ. લેકિન વિકટ પરિસ્થિતિઓ મેં શ્રદ્ધા કી નૈયા ડગમગાઈ ભી, પર સાધ્વીજી વાત્સલ્ય શ્રી રત્નાસિંહજી કે મજબૂત ઈચ્છા શક્તિને કમજોર પડ રહે તપસ્યો કા હોસલા બઢાયા ઓર ઉનકે વસી દબ કી નૈયા પાર લગાઈ. હમે ગર્વ નહીં બલ્કિ હમ અપને ભાગ્ય પર ઇટલા ભી રહે કે હમે એસી તપસ્વીની સાધ્વીજી મિલે હૈ જો સ્વયં ભી 55મી ઓલી કર રહે હૈ તથા જિનકી શિષ્યાએ ભી જબ સે યહાં આઈ હૈ તબ સે વર્ષી તપ કા તપ હી કર રહી હૈ. યે અવિસ્મરણીય હૈ. આપ સભી સાધ્વીજી કે તપ ઓર જપ કા હી ફલ હૈ કે હમારે સંઘ મેં સુખ ઓર શાંતિ ભરપૂર વ્યાપ્ત હૈ. એસે પરમ કૃપાલુ સાધ્વીજી પરમ પૂજ્ય વાત્સલ્ય શ્રીજી કા સાનિધ્ય ભી ભાગ્યશાલી કો હી મિલતા હૈ. ગુરુદેવ કે મુખાર બિંદ સે નિકલે હુએ હરેક શબ્દ મસ્તિષ્ક કો અદ્ભુત પોષણ દેતે થે. મેં શ્રી સંઘ કે તમામ સદસ્યો એવમ લાભાર્થીઓ કા હૃદય સે શુક્રિયા અદા કરતા હું કે જિન્હોને જિન શાસન કે ધ્વજ કો ઊંચાઈ તક ફહેરાને મેં અમૂલ્ય યોગદાન દિયા તથા વિશિષ્ટ સહયોગ દિયા. 15 મહી આકાતીજ કો વસી તપ કે પારણે હોને જા રહે હૈ. 15 મહી આકાતીજ કો વસી તપ કે પારણે હોને જા રહે હૈ. એક અનૂઠા ઓર અનોખા ઉત્સવ હૈ, ઉત્સાહ હૈ રાજકમલ કે આંગન મેં. હમ ચાહતે હૈ કે વસી તપ કે પારણે કા ઉત્સવ ધૂમધામ સે મનાએ, પર લગતા હૈ હમારી ઈચ્છા પૂરી ના હો ક્યોંકિ મહામારી કા સર ફન ફેલાએ બેઠા હૈ. इसलिए आप हमारे हृदय की अनुभूतियों का एहसास करना तथा हमारी मजबूरियों के लिए हमें माफ़ करना. वर्ष भर आपकी तपस्याओं के दौरान खाद्य सामग्री एवं अन्य किसी प्रकार की व्यवस्था में कोई कमी रही हो, कोई त्रुटि रही हो तो हमें क्षमा कर देना. मेरे अध्यक्ष काल में विभिन्न धार्मिक आयोजन व नए अनुष्ठानों की आयोजित करने का प्रयास करता रहा, जो इन सभी कार्यक्रमों की सफलता का श्रेय है. मैं आदिनाथ राजकमल के संघ एवं सभी तपस्वियों को देना चाहता हूँ आपका असीम प्यार मुझे निरंतर मिलता रहेगा. वह हम सब मिलकर धर्म की ज्योत जगाकर अपने जीवन को धन्य करते रहेंगे. मैं एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और हृदय से आभार भी प्रकट करता हूँ.
અને એમ કહેવાય છે મનુષ્ય જીવનનું જો જણતર હોય તો એનો મૂળ તરીકે પાયામાં ધર્મ છે. આ ધર્મની અંદર આજે આપણે તપ ધર્મની વાત કરવાની છે કે જેની અંદર સંઘના અંદર ઘણા વર્ષ દિવસોથી વાત ચાલી રહી હતી, વર્ષી તપ કરવો છે કરવો છે, અને શરૂ પણ થઈ ગયો અને આજે હવે પૂર્ણાહુતિને આરે પણ આવી ગયો છે. જે સુવર્ણ એવી અવસરની બધાને રાહ હતી એ આજે એ ઇંતજાર પૂરો થઈ રહ્યો છે. જય જીનેન્દ્ર. આદિનાથ દાદા કી કૃપા સે હમારા વર્ષી તપ પૂર્ણ હોને પર હૈ અભી ઉજમણા કે દિન આયેંગે. મેરા વર્ષી તપ કરને કા બિલકુલ મન નહીં થા, પર મેરી મમ્મી ને મેરા વર્ષી તપ કે લિયે મન બનાયા. મેરી મમ્મી કા મુઝ પર બહોત બહોત ઉપકાર, મેરે ઇસ ભવ કા નહીં મેરે અગલે ભવ કા ભી ઉન્હોને પુણ્ય બંધાયા. મેરે ઘર કે સભી સદસ્ય, મેરી ડોટર ઇન લો, મેરી દેવરાની, મેરે બચ્ચે, શ્રાવક સબકા ભી બહોત બહોત ઉપકાર હૈ કે ઉન્હોને મેરી મૌન સાધના મેં ભી બહોત સપોર્ટ કિયા. વર્ષી તપ સમિતિ, રાજકમલ ટ્રસ્ટ મંડલ, ઇન સબકા ભી બહોત ઉપકાર હૈ. ઉન્હીં કી વજહ સે હમારા વર્ષી તપ પૂર્ણ હોને પર હૈ. હમેં કોઈ બોલે કે ચાર દિન ભી ઇસી ટાઈમ પે હમેં યે કામ પૂર્ણ કરના હૈ તો હમેં ટાઈમ નહીં હૈ, પર 14 મહિને સે વર્ષી તપ સમિતિ કે ભાઈ હમેં હસ્તે મુંહ સુબહ સુબહ ટિફિન દેકર જાતે હૈ. ઉનકા કભી ભી ચહેરા ઉતરા હુઆ નહીં હોતા, હસ્તે હી રહેતે હૈ. મેરી ગુરુજી કી ભી બહોત કૃપા હૈ કે ઉન્હોને ભી હમારા ઉલ્લાસ બઢાયા. સભી કો જય જીનેન્દ્ર. पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति श्री हेमप्रभु सुरेश्वर जी के चरणों में कोटि कोटि शावंदन. वर्तमान गच्छाधिपति श्री विज्ञान प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन. सरल स्वभावी तपस्वी श्री वात्सल्य रत्नाश्री जी को वंदन प्रणाम. सभी भाई बहनों और वर्षी तप की महान तप यात्रा में जुड़ने वाले हमारे सभी लाड़के तपस्वी सभी साथा में हो. सबसे पहले तो ये यात्रा कैसे शुरू हुई, ये तप कराने की इच्छा मेरे मन में पहले से थी, पर सही समय आने पर ही उचित कार्य होते हैं. जब भी कोई बहनें मुझसे मिलती या तो हमेशा एक ही बात करती कि धीरज भाई आप ये वर्षी तप कब करा रहे हो, वर्षी तप कब करा रहे हो, अपने संग में वर्षी तप कब करा रहे हो. इस तरह हमारी यात्रा की यह इंजन शुरू हुआ. इसमें अनेक लोगों का हाथ था, सबका साथ सबका विकास होता है. सबसे पहले तो हमारे पूज्यनीय श्री पोपट भाई ने पहल की और खुले दिल से बिना विचार किए अपनी पुण्य राशि देने की इच्छा प्रकट की और लाभ भी लिया. हमारी भी थोड़ी हिम्मत बढ़ी और फिर अनेक लोगों ने अपना दान दिल खोल कर दिया. गाड़ी आगे चली भी पर स्टार्टिंग प्रॉब्लम इंजन में ही था. जैसे कोरोना की महामारी आई, दो ब्यास न होने के बाद हमें ये ब्यास ने बंद करने पड़े. मन दुखी हुआ पर तपस्वी की हिम्मत और मनोबल देखकर हमारा हौसला और बुलंद हुआ. तपस्वियों के उत्तम भाव और उनकी महामारी दरमियान कड़ी परीक्षा हुई, पर किसी ने तपोबल पर आँच न आने दी. कुछ तो करना था, कैसे करें क्या करें. फिर बहुत सोच के हमने टिफ़िन सेवा चालू की. टिफ़िन सेवा में पोपट भाई ने भी हमारी हेल्प की, वहाँ से कुछ रसोइयों की बंदोबस्त किया और हमने टिफ़िन सेवा चालू की. हमारी पूरी कोशिश थी कि सब वस्तु व्यवस्थित और सब तपस्वी की फरमाइश पूरी हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा शादा पहुँचे. हमारी पूरी टीम जैसे जयंती भाई, भीमराज जी, रमेश भाई, ललित भाई और वहाँ पे आने वाले सभी विपुल भाई, संदीप भाई, पिनेश, प्रीतेश, राजेश, अभी सब हो सकता है किसी का मैं नाम भूल गया हूँ, सब लोग व्यवस्था में ऐसे जुड़ गए जैसे कि एक बड़ा सा परिवार जैसे हो गया. ये 14 महीने की कठिन तप करना कोई पूर्व भाव की बड़ी पुण्य राशि प्रकट होती है तब ये भाव आता है करने का, और अनंत पुण्य राशि से ये निर्विघ्न रूप से पूर्ण भी होती है. करण करावन ने अनुमोदन सरकू फल निपजावे, इसको कराने का और अनुमोदना का लाभ देने का सभी तपस्वियों को खूब खूब धन्यवाद. करने वाले ही तैयार नहीं होते तो हमें इस सेवा का लाभ ही नहीं मिलता. मैंने कहा था और आश्वासन दिया था कि 40 से ज़्यादा तपस्वी के नाम आएंगे तो हम ये वर्षी तप कराएंगे. पर देखो भगवान की मर्जी, 40 से ज़्यादा 50 नाम आ गए, पर भगवान की मर्जी और कर्म सत्ता के आगे किसी की नहीं चलती. हमारे प्यारे भाई
कमलेश की एक महीने के बाद अकस्मात मृत्यु हुई, उस कारण मुझे भी बहुत बड़ा आघात लगा। इस काम में कमलेश पूरी तरह से जुड़ा हुआ था और मेहनती भी था। उसकी कमी पूरे वर्ष दरमियान हमें और हमारी टीम को खलती रही। मेरे पिताजी भी खूब भावित है और इस संघ से उन्होंने पहले से ही बोला था इन संघ से जुड़े रहो, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। इस तब दरमियान कमलेश के निधन के बाद मेरी मम्मी और कमलेश की पत्नी ललिता को पारना करना पड़ा। किसी कारणवश 3-4 और तपस्वियों को भी पारना करना पड़ा, पर मुझे हिम्मत रख के हाथ में लियो इस जिम्मेदारी का भार अधूरा हम छोड़ नहीं सकते थे। मैं खुद को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि इस पूरे तप दरमियान संघ ने मुझे संयोजक बनाया गया। इस पूरे वर्ष दरमियान हमारे से कोई भी कमी भूल और किसी भी तपस्वी को असुविधा हुई या संघ में किसी को भी असुविधा हुई हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। आशा करता हूँ कि ऐसे बड़े बड़े कार्य हमारे संघ में होते रहे और हमें ये सेवा करने का मौका मिलता रहे। सबसे महत्व की बात, गुरु महाराज श्री वात्सल्य रत्न श्री जी का पूरा सहयोग, उनके कठिन तप की गौर साधना, जाप और आशीर्वाद से हुए भयंकर मारम महामारी होते हुए भी ये काम बहुत निर्विघ्न रूप से पारण हो गया। इनकी निश्रा में हमें भी काम करने की हिम्मत रही, आसानी रही और किसी भी बात का टेंशन नहीं था। सभी तपस्वियों की हाथ जोड़ के मैं बुरी बुरी अनुमोदना करता हूँ और मेरे से या मेरे समिति में से किसी से भी कुछ भी गलती हुई हो तो मेरी हमारी तरफ से मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिनेन्द्र। राजकमल जैन संघ के सभी ट्रस्टी कार्यकर्ता एवं सभी सदस्यों को पालीतना, गिरनार, शंखेश्वर, हस्तिनापुर की यात्रा के सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोरोना महामारी के चलते जिस तरह सुविधापूर्वक एवं सुंदर आयोजक से वर्षितप करवाया है, उसके लिए राजकमल जैन संघ के सभी ज़्यादा चिकारी बधाई एवं अभिवंदन के पत्र हैं। धन्यवाद। अने एम कहवाय छे, मनुष्य जीवननुं जो जणतर होय तो एनो मूल तरीके पायामां धर्म छे। आ धर्मनी अंदर आजे आपणे तप धर्मनी वात करवानी छे के जेनी अंदर संघना अंदर घणा वर्ष દિવસોથી વાત ચાલી રહી હતી, વર્ષી તપ કરવો છે, કરવો છે અને શરૂ પણ થઈ ગયો અને આજે હવે પૂર્ણાહુતિને આરે પણ આવી ગયો છે। જે સુવર્ણ એવી અવસરની બધાને રાહ હતી એ આજે એ ઇંતજાર પૂરો થઈ રહ્યો છે। પંચ પરમેશ્વરી ભગવાન કો નમસ્કાર। અરિહંત સિદ્ધ આચાર્ય ઉપાધ્યાયજી કે ચરણો મેં કોટી કોટી વંદન। વર્ષી તપ સે પ્રત્યાખાન પચકાણ અદ્ભુત લાભ। જૈન ધર્મ મેં पाप के 3 उपाय, पाप से बचने के 3 उपाय तथा पाप न बांधने के लिए प्रतिज्ञा और पुराने पापों के लिए प्रायश्चित, वर्षी तप की साधना, प्रतिक्रमण, प्रतिज्ञा और प्रायश्चित, तीनों पद्धति कितनी चीज़ों का एक इस आत्मा में लाभ मिलता है, कितनी चीज़ों का इस आत्मा को लाभ मिलता है। प्रतिज्ञा ये बंधन न होकर एक मुक्ति का मार्ग है, यानी वर्षी तप। प्रतिज्ञा ये बंधन न होकर आत्मा की मुक्ति का मार्ग है, यानी वर्षी तप। और हमारा सौभाग्य ऐसा कि हमें तो देव गुरु धर्म तीनों का वर्ष भर शुद्धता से लाभ मिला, ये हमारे ऊपर प्रभु की असीम कृपा रही। जय जिनेन्द्र। शरीर कोनू सारू जेनी पासे तंदुरुस्ती हो, मन कोनू सारू जेनी पासे प्रसन्नता हो, चित्त कोनू सारू जेनी पासे प्रसन्नता होय, संबंध कोना सारा जेनी पासे विश्वास होय, अने जीवन कोनू सारू जेनी पासे धर्म होय। सब तविश के तपस्वियों को संगीत के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तपस्या करने वालों को हमारा धन्यवाद, तपस्या करने वालों को हमारा धन्यवाद, आपकी ये तपस्या हम सबको रहेगी याद, आपका वर्षी तप हम सबको रहेगा याद, तपस्या करने वालों को हमारा धन्यवाद, आपकी ये तपस्या हम सबको रहेगी याद,
आपका वर्षी तप हम सबको रहे गाया। राज कमल का पुण्य है सवाया, वत्सल रत्न श्री जी का आशीर्वाद है पाया। राज कमल का पुण्य है सवाया, वत्सल रत्न श्री जी का आशीर्वाद है पाया। वर्षी तप करवा कर कर दी है जय जयकार, वर्षी तप करवा कर कर दी है जय जयकार। आपका वर्षी तप हम सबको रहे गाया। धर्मनी शुरुआत आ राजकमल संघनी अंदर एक अवसर मारी प्रेरणा करवानी थई अने अहियाना दृष्टिओए बधाए वधावी लीधी अने ए अवसर जे अत्यार सुधी सपना तरीके हतो आजे साकार थवा जई रह्यो छे। एम कहेवाय छे कि तपनी अंदर तो आराधको जोड़ाणा, लाभार्थीओ जोड़ाणा, साथे कार्यकर्ताओ जोड़ाणा अने आ बधो भेगो मेळ थता आजे आ कार्य सफल थई रह्यु छे। जीवननी अंदर घणी बधी मुश्किलीओ आवती होय छे एवी रीते अहींया आगळ पण एम कहेवामां आवे छे કે આ તપની શરૂઆત થઈ બહુ સારી રીતે અને અંદર મુશ્કેલીઓ પણ આવી, મુશ્કેલીઓ એવી આવી એમ કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે બધા ભક્તોએ ભગવાન થવાનું નક્કી કર્યું ત્યારે એમ કહેવાય છે કે બધા ભક્તોએ ભગવાનનું સ્થાન લઈ લીધું, બધા આની અંદર જોડાઈ ગયા અને જોડાઈ અને શરૂ થયું। પણ ભગવાન કહે છે કે જ્યાં સુધી તું મારા લેવલમાં છો ને ત્યાં સુધી તારે કંઈ બોલવાનું નથી, તારે કશું બોલવાનું નથી, તારે ફક્ત જોઈએ રાખવાનું છે। અને અહીંયા આગળ એમ કહેવામાં આવે છે કે ભક્તની જગ્યા ભગવાને લીધી અને ભગવાનની જગ્યા ભક્તે લીધી છે અને બધા આરાધનાની અંદર જોડાઈ ગયા છે। આદિશ્વર ભગવાને પ્રથમ દીક્ષક લઈ અને પહેલો જે તપ શરૂઆત કરી હતી, તપ ધર્મની સ્થાપના કરી હતી, એ તપની અંદર શ્રી આદિશ્વર ભગવાનની શીતલ છાયાની અંદર અને ગુરુ ભગવંતની પ્રેરણા દ્વારા જે અમારા વડીલોના એટલે કે વડીલ ગુરુ ભગવંતોના આશીર્વાદથી આ કાર્ય આખું સંપન્ન થયું, શરૂ થયું અને એની અંદર બધા જોડાણા। જય જિનેન્દ્ર। પરમપંચ પરમેશ્ઠી ભગવાનની ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન અને અમારા અહીંયા પધારેલા વાત્સલ્ય રત્નાશ્રીજી મારા સાહેબજીના ચરણોમાં બી કોટી કોટી વંદન। વર્ષી તપ કભી સોચા નહીં થા કે યે તપ મેં કર પાઉંગી। જબ રાજકમલ મેં યે વર્ષી તપ અનાઉન્સ હુઆ તબ સોચા કે ઇતના બડા તપ હૈ જો આદેશ્વર ભગવાનને કિયા હૈ। જૈન ધર્મ મેં જન્મ લેને કે બાદ યે તપ એક બાર તો કરને કા મોકા મુજે ભી મિલે। જબ યહાં યે તપ અનાઉન્સ હુઆ તબ બહોત મન હુઆ કે મેં ભી યે તપ કરું। અપને હસબેન્ડ કી આજ્ઞા લે કે પાસ આજ્ઞા લેને કે બાદ યે તપ શરૂઆત કરને કી મેને કોશિશ કી। તપ શરૂઆત કરને કે બાદ જબ કોરોના આયા તબ મન મેં બહોત ડર થા કે યે તપ પૂરા હોગા, કૈસે હોગા, કબ હોગા, કિસ તરહ સે હોગા। સબસે જ્યાદા આભાર મેં મારા સાહેબજી કા દૂંગા જિનકે પચખાન સે યે તપ નિર્વિઘ્ન રૂપ મેં કર પાઈ। બાકી સબ ભી તપસ્વી ઇતની હી અચ્છી તરહ સે યે તપ કર પા રહે હૈ પર મેં અપની અપના એક્સપીરિયન્સ શેર કરૂંગી કે યે તપ મેં બહોત અચ્છી તરહ સે કર પાઈ। ઘર મેં બહોત સારે વિઘ્ન આયે વો ભી મારા સાહેબ કે પાસ વાત કરને કે બાદ ઇતના અચ્છા એક્સપીરિયન્સ રહા કે કોઈ કભી એસા દર્દ મહેસૂસ નહીં હુઆ, કોઈ દુઃખ મહેસૂસ નહીં હુઆ, બહોત સારી ચીઝે બહોત સારી બાધાએ હુઈ ઘર મેં પર સબ કુછ એકદમ ઠીક સે ચલા। દૂસરા આભાર મેં રાજકમલ જો ટ્રસ્ટીઝ હૈ ઉન્હોને હમારા જિસ તરહ સે ધ્યાન રખા હૈ, જો ટિફિન વ્યવસ્થા કી હૈ, હર ચીઝ મેં હમેશા હસ કર જવાબ દિયા હૈ, ઉનસે યે સીખા હૈ કે સેવા ભાવ કિતના જ્યાદા ઇમ્પોર્ટન્ટ હૈ, તપ ઇમ્પોર્ટન્ટ હૈ પર સેવા ભાવ જો ઉનમે દેખા હૈ ઉસસે મુજે એસે લગતા હૈ કે હર ઇન્સાન મેં વો સેવા ભાવ જાગના ચાહીએ। વર્ષી તપ મેં પચખાન કા મહત્વ જાના હૈ જો મેને શાયદ ધર્મ કભી ઇતના કિયા નહીં ઓર જબ કિયા તબ ઇતના કુછ સીખા હૈ કે મન મેં એસે લગતા હૈ કે સમતા ભાવ હમેશા બના રહે, કોઈ ચીઝ મેં કભી ગ્રીડ નહીં હો, કાયમ ઇસ ધર્મ કે રાસ્તે પર મેં ટિકી રહું ઓર ભગવાન કરે કે યે રાસ્તા મેરે પરિવાર વાલે ભી સમજે ઓર ઉસમે જૈન ધર્મ મેં ઉનકી શ્રદ્ધા બઢે। જય જિનેન્દ્ર। શ્રી આદિનાથ રાજકમલ જૈન સંઘ કે દ્વારા આયોજિત વર્ષી તપ આરાધના સમાપન કી ઓર બઢ રહી હૈ। વર્ષી તપ આરાધના પ્રારંભ હોને સે
कोविड-19 का प्रकोप शुरू हो चुका था। महामारी के कारण कई जैन संघों ने असमंज की स्थिति में थी। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद तपस्वी रत्नों का हौसला अटूट बना हुआ था। अतः श्री आदिनाथ राजकमल जैन संघ वर्षितप कमेटी और संघ के प्रत्येक सदस्यों का तपस्वियों का मनोबल देखते अपने आप को भी मजबूत कर लिया और सभी का मन मजबूत हुआ और वर्षितप के तपस्वियों का ब्यासना टिफिन द्वारा करवाने का सहयोग किया और यह व्यवस्था बेहद सुनियोजित और सुंदर तरीके से जारी है और आज भी जारी है। तपस्वियों को संघ के द्वारा पालीतना जी, शंकेश्वर जी, गिरनार जी एवं हस्तिनापुर की यात्रा संघ द्वारा बड़े ही उत्साहपूर्वक कराई गई। इन यात्राओं में संघ द्वारा सेवा पूजा, हस्तिनापुर में केशर अभिषेक इत्यादि लाभार्जन हुआ। तपस्वी रत्नों का वरघोड़ा बड़े ही धूमधाम, हर्षोल्लास, जयघोष के नारों के साथ निकाला गया। इसमें हस्तिनापुर जी का वरघोड़ा ऐतिहासिक रहा, जिसमें 20-22 से ज़्यादा घोड़ा बगी, गजराज, रथ, बैंड, बाजों के धूम के साथ निकाला, जिससे वहाँ के मुख्य संस्थापक श्री तेजपाल भाई भी बेहद प्रभावित हुए और उनके मुख से बस यही निकला, अविश्वसनीय, अस्मरणीय, अकाल्पनीय। ऐतिहासिक वरघोड़ा इस तीर्थ पर अब तक का वर्षितप को सफल बनाने में कार्यकर्ताओं द्वारा टिफिन पहुँचाने से लेकर अन्य कार्यों में साथ सहकार यादगार रहेगा। इससे कार्य कठिन तो था पर मनोबल इतना मजबूत था। तभी प्रशासन के कोविड-19 के लिए बनाए नियमों का पालन करते हुए तपस्वी ने अपने तप में अग्रसर रहे और संघ अपने सेवा कार्यों द्वारा पुण्यार्जन में अग्रसर है। आज जब वर्षितप अपने समापन पाड़ने की ओर बढ़ रहा है, मैं भीमराज सुराना सभी कार्यकर्ताओं और वर्षितप कमेटी समिति श्री आदिनाथ राजकमल जैन संघ की इस 12-मासी तप को सफलता की ओर ले जाने में आप सभी के साथ सहकार सहयोग की खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। साथ में वर्षितप कर रहे सभी तपस्वियों के पाड़ने हर्षोल्लास के साथ बड़े ही धूमधाम से पूर्ण हो, ऐसी भगवान ऋषभदेव श्री आदिनाथ दादा से प्रार्थना करता हूँ और सभी तपस्वियों की ऐसी कठिन समय में भी मनोबल बनाए रखने की हृदय मन से करबद्ध अनुमोदना करता हूँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ लिखने बोलने में त्रुटि रही हो तो मैं करबद्ध मिच्छा में दुकड़ा मांगता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। सभी तपस्वी सुख साथ में आज मन खूब खुश हुए हैं। तपस्वी रो उत्साह ने आनंद देखे ने कठिन समय तो करो ना रो पर आज आदिनाथ दादा की कृपा थी ने देवगुरु पसाई थी आखो साल खूब अच्छो सुंदर धर्म आराधना में गियो। साध्वी जी महाराज साहब ने पण जदे भी देखता नहीं वणोरो उत्साह भाव वणोरी प्रभावित वाणी थी आज मन खूब हिम्मत मिलती एक खूब पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर राख्यो मो संग में आ इस कारण तो कि मो रोज मन हिम्मत थी मो आगे बढ़ता रोज गयो। स्टार्टिंग में खूब डिफिकल्ट टाइम तो थोड़ो पर फैमिली सपोर्ट मैंने खूब अच्छो रियो एकदम स्पेशली मम्मी पप्पा रो पप्पा खूब आखा साल में हेंग तीन तपस्वी रो अतरो ध्यान राख्यो नहीं कि आज मैं एक वर्षी तप कीधो पर पप्पा ने पूरा पूरा तीन वर्षी तप रो लाभ मिलो। मैं कभी कन्ने अतरी भक्ति करता नहीं देखी आज तक कभी वर्षी तप री ना हमें तक अचिन पप्पा मो लोग अतरी हेल्प करावे रिया है ने स्पेशल स्पेशल थैंक्स राजकमल जैन समिति ने हैंग यंगस्टर्स ने जन ने पोतर उतरो टाइम ने एफर्ट दीदो आज हैंग टिफिन भरना मो घरे अतरी जल्दी पहुँचावना अतरी अच्छी सुंदर व्यवस्था की दी कि मोने खूब साता मलती अन चीज़ री पण मोने ने आज कोई भी धर्म अनुष्ठान है कि कोई भी यात्रा है तो मैंने खूब उत्साह भाव थी लेन गया कट्टे पर कोई भी तपस्वी ने कुछ बात तकलीफ ही सेवा नहीं दी दी है अना उस समय संग्रह खूब खूब ऋणी हो स्पेशली मारा वास्ते साधु जी महाराज सब ने खूब खूब ऋणी कि हमेशा मैंने अत्री हिम्मत दी दी है खूब खूब अनुमोदना राजकमल जैन संघ ने हैंग तपस्वी के भक्त એટલે કે જ્યારે ભગવાન ભક્તની અનુસરીને એટલે કે વર્ષિતપ પ્રભુ આદેશ્વર ભગવાને જે વર્ષિતપની શરૂઆત કરી હતી એ જગ્યાએ આજે બધા તપસ્વીઓ શું કરી રહ્યા છે વર્ષિતપની પોતાની આરાધના કરી રહ્યા છે એટલે ભગવાનની જગ્યાએ ભક્ત બેસી ગયો છે અને એની અંદર જેમ પ્રભુને અંતરાય કર્મ આવ્યા હતા 400 દિવસ સુધી શું કરવાનું આવ્યું હતું ગોચરી ગયા છતાં પણ અંતરાય કર્મને હિસાબે એમને પારણું ન થયું અને 400 દિવસના અંતે એમને પારણું થયું એવી જ રીતે અત્યારે પણ ભગવાને પણ એમ કીધું કે ભક્ત બરાબર ભગવાનની પાટે બેસેલો છે એટલા માટે મારે પણ શું કરવું છે કે એમની પણ બરાબર મારે શું કરવાની છે પરીક્ષા લેવાની છે એ બોલે છે કે નહીં એના માટે ભગવાને પણ જેવું પારણા ઉલ્લાસ દ્વારા દ્રષ્ટિઓ દ્વારા બધા કાર્યો કરાવી દીધા સંઘ એટલે કે ભગવંતો ગુરુ ભગવંત આવી અને ગુરુ મહારાજની નિશ્રા મળી અને તપ પણ શરૂ કરાવી દીધો અને સાથે સાથે શું થયું અને જેવો ઉલ્લાસમાં લોકો જોડાણા અને કોરોના પણ લાવીને મૂકી દીધો
પણ એમ કહેવાય છે કે અહીંયા સુધી તો બધા શું કર્યા છે, મૌન રહ્યા છે. ખરેખર એમ કહેવાય છે કે દેવગુરુની કૃપા અને તમારા લોકોનો જે વિશ્વાસ હતો, શ્રદ્ધા હતી ભગવાન પ્રત્યેની, એના કારણે ડગમગતી નૈયાને પણ તમે શું કરી દીધી છે, પાર કરી દીધી છે. અને અહીંયા તમે કિનારાના આરે, હવે એમ કહેવાય છે કિનારો સામે દેખાઈ રહ્યો છે, થોડોક જ રસ્તો કાપવાનો બાકી છે. આ થોડા રસ્તો જે કાપવાનો બાકી છે એની અંદર તમે આગળ વધી રહ્યા છો. બધા ઘણા જેને છોડ્યા અથવા તો જેને નથી કર્યો એને આજે અફસોસ ઘણો થઈ રહ્યો છે. જય જીનેન્દ્ર. કોઈ પણ કાર્ય પૂરો વેવાને બહોત સારો યોગ, બહોત સારી સાધના લાગે. મોલોક જો વર્ષી તપરો કાર્ય કીધો ગુરુ ભગવાનની નિશ્રામે, ઉ પણ અન એરા કપરા સમય મેં બિલકુલ ઇઝી નહીં તો. બટ કોઈ બી કહે નહીં, કોઈ બી કાર્ય પૂરો વેવાને વને મૂલ મેં થાંભાવે, બેસવે. મોરા મૂલ મેં પણ એરા ઇઝ બેસતા. પહેલો બેસ આચાર્ય ભગવાન આદિનાથ પ્રભુની નિશ્રામે ઓ વહેર્યો. બીજો આપને નોમ કહેવાય જરૂરત નહીં પડી, જો પ્રેમરી મૂર્તિ હે, વાત્સલ્યરી મૂર્તિ હે, બસ વેરા મોરા વાત્સલ્ય રત્નાશ્રીમાં. મોલો કટે ઢીલા પા હુઆ પર વે ઢીલા નહીં હુઆ, મતલબ જટે મને લાગો કે નહીં શાયદ નહીં વેલા, એરો કપરો સમય, કોવિડ, ઘર મેં પેશન્સ દિસ નહીં વેલા. બટ સાહેબજીની જો મક્કમતાથી થશે, એક જ કહેતા થશે, બસ થશે, ઓ મને અત્રો પ્રોત્સાહન મળ્યો કે નહીં વેલા. કુછ સબ્જી નહીં મળી, કુછ નહીં મળ્યો ખાવાનું નહીં, બટ નો પ્રોબ્લમ, સાહેબજીની નિશ્રામે હેંગ ઇઝી વેગ્યો, થાઈસ નહીં પડ્યો, તેરે મિનારો તપ કિકન વેગ્યો, કતરી શાંતિથી વેગ્યો. ને મૂલ મૂલ પાયો કહો તો મારો વર્ષી તપ કમિટી. વર્ષી તપ કમિટીનો અગર મને હાથ નહીં વહેતો તો આજ અત્રો લાંબો રસ્તો મો નહીં કાઢ શકતા. જટે જટે મો થાક્યા વટે વર્ષી તપ કમિટી મને સપોર્ટ કીધો. આજ એરા સમય મેં ટિફિન્સ ભેજનો, અત્રો લેવિશ ટિફિન, મતલબ અન્નો તો અવર્ણીય, કુછ કહી નહીં શકો, વર્ડ્સ જ કોઈ નહીં એના વાસ્તે. ઓ પૂરો જો આજ એપિસોડ, પૂરો જો મારો વર્ષી તપ હોય અને મેં પૂરો શ્રેય કહો તો ગુરુ ભગવાનને, કમિટીને, અને હેંગોથી મોટા તો મારા આદિનાથ પ્રભુને હે. ભગવાનને એકીસ વિનંતી હે, પ્રભુ અત્રા તક આયા પાહો, બસ અબે આરામ. ઓ તો ગુરુની નિશ્રામે વેઈશ પો. ને મારા વાત્સલ્ય શ્રી રચનાજીજી મારા સાબરો તો કોઈ કહેણો બાપ રે, મોલક જરા ડગ મગાયા પા સીધો થઈ જશે. મતલબ બસ ઓ વણોરી આશીર્વાદ હે કે આજ અટા તક આયા. ને એરા કપરા સમય મેં, મતલબ અન સમય મેં ગવર્મેન્ટથી આવ્યો, હેંગ લોગોથી આવ્યો, તપ નહીં કરનો, ઓ નહીં કરનો, ઓલી નહીં કરની, વો નહીં કરનો, બટ કુછ નહીં કરો, કંઈ જ નહીં થાય, કરો બસ. ઓ અણવરી નિશ્રામે હેંગોને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સાહેબજીને તો કોટી કોટી વંદન, વર્ષી તપ કમિટીને પણ ખૂબ ખૂબ આભાર, ને મારા ભાઈ બહેનોને ખૂબ ખૂબ વંદન, અનુમોદના. ચાર ગતિ પૈકી મનુષ્ય ગતિ, એની અંદર એમ કહેવાય કે મનુષ્ય ગતિની સીઝન હોય તો ધર્મ કરવાની છે. એમ કે ધર્મ, તપ ધર્મની અંદર એમ કહેવાય છે કે નિકાજી ધર્મ તો એમ કે જીન પૂજા, સામયિક પ્રતિગમણ, એ બધું શું છે, નિર્જરા હેતુ હોય છે. પણ એમ કે કહેવાય છે કે પરમાત્મા તીર્થંકર ચક્રવર્તીઓએ પણ શું કર્યા છે, તપની આરાધના કરી છે. તપ એ શું કરે છે, નિકાચિત કર્મને તોડવાનું કાર્ય કરતું હોય છે. માટે આ તપ ધર્મની અંદર જોડાય અને જેટલા બી આરાધકો જોડાયા છે એની તો હું પહેલાં ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરું છું. સાથે સાથે કે તેમના ઘરના લોકોએ જેમણે એમને સાથ આપ્યો છે આવા સમયની અંદર પણ એમની પણ હું અનુમોદના કરવા માટે બાકી નથી રહેતી. અને આ બધાની વચ્ચે પણ જે આ ટ્રસ્ટી મંડળે, એ જયંતિભાઈ, ધીરજભાઈ વગેરે, મહેન્દ્રભાઈ વગેરે જે પણ બધા ટ્રસ્ટીગણો છે એમને, અને જે પણ અને યુવા વર્ગ જેમને આ બધાની અંદર શું કર્યું છે કે વ્યવસ્થા સારામાં સારી કરી છે, સહયોગ આપ્યો છે. જે વસ્તુ 14 મહિના સુધી ચલાવવાની હતી એની અંદર બધાએ શું કર્યું છે કે હસતા મોઢે કાર્ય કર્યું છે, હસતા મોઢે કાર્ય કર્યું છે. જ્યારે પણ જે વાત મેં મૂકી છે એને શું કરી છે, માન્ય કરી છે, ત્યારે જ આ કાર્યને આપણે સારી રીતે સક્સેસફુલ કરી શક્યા છે. પ્રણામ ને જય જીનેન્દ્ર સબોને, સભી તપસ્વીને સુખ સાથા. ઓ વર્ષી તપ એક યાદગાર વર્ષી તપ રહેલા સબોને, મતલબ એક લાઈફ ટાઈમરી મેમરીઝ રહેલા સબો વાસ્તે, ને એક હેપી મેમરીઝ રહેલા. અચ્છા અણ વર્ષી તપ મેં ખૂબ અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ રહ્યા હે, બટ દેવગુરુની કૃપાથી સબોરી આરાધના ખૂબ અચ્છી હોઈ હે. અચ્છા અન ડિફિકલ્ટ ટાઈમે પણ આદેશ્વર દાદા જો હે ઓપરો સબોરો ખૂબ ધ્યાન રાખ્યો હે, મતલબ એનામાં કોઈ ડાઉટ ઇઝ નહીં કે ભગવાન ઉપર ધ્યાન નહીં રાખ્યો હોય.
सब संघों में वर्षी तप कैंसल वेतो तो बरोबर, पर होपो अटे ट्रस्टीओ अत्रो अच्छो डिसीजन लीधो है ने वर्षी तप कैंसल नहीं कीधो है ने कंटिन्यूज राखियो है, मतलब समझो ना अपो सब तपस्वरी पुण्य खूब तेज था वन टाइम रो के होपो अटे वर्षी तप कैंसल नहीं हुआ है। अच्छा अन धीरे धीरे सब चीज रूटीन में आवा लागी, मतलब सब चीज धीरे धीरे नॉर्मल वेवा लागी। अच्छा होपो अटे पन टिफिन की खूब अच्छी व्यवस्था स्टार्ट हुई, राजकमल संघ खूब अच्छो डिसीजन लीधो ने अथरा टिफिन सबोराटे पोसावना भरना ने पासा टाइमसर पोसावना, मतलब वो एक खूब मोटो टास्क तो मतलब चैलेंज तो, बट होपोराटे जो राजकमला जो यंगस्टर्स है ने ट्रस्टी मंडल है वो पॉसिबल कीधो। अच्छा अन्न कार्य वास्ते मतलब ट्रस्टी मंडल री जत्री भी अनुमोदना करो मित्रों कम है, फूड रोटेज भी खूब सुपर तो महाराज ने महाराज जी टीम ने भी खूब खूब धन्यवाद कि अथरो अच्छो खानो बनायो सबोरे, मतलब फूड में मतलब कोई कमीज नहीं थी कहता ने कदे कदे तो यूँ लगे कि टिफिन रो फूड खावा वास्ते पासो बीजो वर्षी तब करनो पड़ेला मोने लाइक वर्षी तब में हेंगो थी अच्छी चीज, मतलब उपास रदन जंदी रात्रो एक्चुअली धीरज भाई रो मैसेज रो मतलब सब जना वाड़ बारता कि कभी काले महीनों में कोई आविला ने वो मतलब मोने हमेशा याद रहीला, मतलब एक मेमोरीज रहीला एक्चुअली कि धीरज भाई रो मैसेज में लोग वाड़ बारता था। अच्छा अन्न संघ में ट्रस्टी लोग तपस्वरी सब इच्छा पूरी की दी है, इच्छा पण पासी की कण पूरी है, यूं नहीं कि भाई मतलब उल्लासपूर्वक की दी है, मतलब एकदम मन थी इच्छा पूरी की दी है। अच्छा शत्रुंजयी जाता लेन गया मोने, गिरनार जी लेन गया, गिरनार जी पण कह रो मस्त हुआ, मतलब कोई अपन नॉर्मली आजकल की कण है कि अनप्लान हॉलीडेज लेन जाए मनक, मतलब अचानक मूड हुआ चलो हालो गोवा लो, पर मोरे पण मोरे अनप्लान यात्रा वेगी, मतलब गिरनार जी कोई डिसाइड नहीं तो, बट अचानक सबोर मूड हुआ कि भाई पालीतना थी गिरनार जी जो तो संघ वाला मतलब बिल्कुल ना नहीं क्यों सब अरेंजमेंट करें इमीजिएटली, मतलब इंस्टेंट 24 आवर में पूरा अरेंजमेंट करें सबों ने गिरनार जी अत्री अच्छी यात्रा कराई, वरना वो थी मोलोग्रो हस्तिनापुर प्रोग्राम वो भी खूब सुंदर तो, बटे वरघोड़ा री व्यवस्था पूजारी व्यवस्था मतलब दी बेस्ट तो, मतलब कण चीजरी पण कमी नहीं थी। अबे वो वर्षी तब पूरो वेवा आयो है मोने खूब अच्छो फील वे रियो है, मतलब फील बोले तो एक वह प्राउड फीलिंग नहीं वे रही है, बट यू मन में अच्छो लागे रियो कि अत्रो टफ टाइम में मतलब अत्रो टफ तप देवगुरु री कृपा थी ने संघ री कृपा थी ने साहेब जी री कृपा थी मोरे ये लग पार पड़िया, मतलब अनबिलीवेबल कौन सा अन्न सब वास्ते सबो ने प्रणाम ने जय जिनेन्द्र। दूध ने फाटी जता वार लगे, केरी ने सड़ी जता वार लगे, भात ने उतरी जता वार लगे, पण आ मन ने फाटता सड़ी जता के उतरता वार लागतु नथी, छता पण आ कपरा काळनी अंदर तपस्वीए पोताना मन ने बगाड़िया वगर अने आज आनी अंदर जोड़ाई रह रहा अने कार्यकर्ताओं पण हरेक ज्या ज्या कड़ी तूटी छे त्या आगर पोतानी व्यवस्थाओं पोताने तनतोड़ मेहनत करी अने आ कड़ी ने जोड़ता रहा छे अने आदेश्वर भगवान नी एवी अनराधार कृपा वर्षी छे आ राजकमल संघनी उपर के जे एम कहेवाय छे के हर वस्तु तो मोटा देश में नाना नाना कार्यो थता होय छे, पण आजे तो एवुं थयुं छे के नाना एवा राजकमल संघनी अंदर मोटू ऐतिहासिक कार्य थई गयुं छे, आवुं ऐतिहासिक कार्य के कहेवामां आवे छे सुवर्ण अक्षरे लखवामां आवे ने तो पण ना नथी, एवुं कार्य थयुं छे के जेनी अंदर नाना मोटा सर्वो ए पोतानुं योगदान आपी अने आनी अंदर जोड़ायेला छे, कोई तनथी कोई मनथी तो कोई धनथी आवी रीते आनी अंदर जोड़ाय अने लोकोए शुं कर्युं छे उत्साह राख्यो छे, जे कार्य चौदह महीना आम कहेवाय छे के वर्षी तप 13 महीनानो होय छे पण आ वखते ए लोकोने लॉटरी लागेली हती, आम पर राजकमल संघ छे ने फायदामां जीववा मांगे छे, लॉटरी लागेली हती 14 महीनानो શું હતો આ તપ હતો આ 14 મહિના પણ કઈ કે છે એમ કહેવાય છે કે 14 ગુણ સ્થાનક છે, એક એક મહિનો એક એક ગુણ સ્થાનક જીવાત્માને વધારી રહ્યો છે તપસ્વીને વધારી રહ્યો છે, એમ કહેવાય છે કે આપણે જે રહીએ છીએ ને 14 રાજલોકની અંદર રહીએ છીએ અને આજની જેટલી પણ આપણી સફર છે કે જેટલી પણ આપણી ટ્રાવેલિંગ છે એ ફક્ત 14 રાજલોકના અગ્રભાગ રહેવા એટલે અગ્રભાગ ઉપર મોક્ષ ઉપર જવા માટેની જ છે, આ માટે પણ આ 14 મહિનાની અંદર ખડી મહેનત કરી છે, એમ કહેવામાં આવે છે કે જે થાય છે તે સારા માટે થાય છે। જીન શાસન મેં ઇસ દિન કા ઉલ્લેખ હો અપ્રથમ તીર્થંકર આદિનાથ ભગવાન કે 400 ઉપવાસ કી યાદ તો જરૂર આતી હૈ, હમારે રાજકમલ મેં આદિનાથ ભગવાન હો ઓર ઉનકે તપ કરને ઉનકા તપ કરને સે ઉનકી તો કૃપા હમ પર બનતી હી હૈ। ફાગણ સુદ આટમ કા દિન આને વાલા થા, કોઈ તૈયારી નહીં થી,
इच्छा बहुत थी पर कठिनाइयाँ भी बहुत थी। बस वात्सल्य रीति श्री जी महाराज साहब का आशीर्वाद लिया और चल पड़े वर्षी तप करने के लिए। धीरे धीरे शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई और वात्सल्य रत्न श्री जी महाराज साहब के पचकान में इतनी शक्ति है कि सासन देवी को तो पता नहीं रहता है। लॉकडाउन आया तब सोचा कि अब क्या होगा, कैसे होगा। एक अनोखी घटना घटी कि मेरे घर भगवान आए। वर्षी तब नहीं होता तो मैं भगवान नहीं लाती। बस फिर मन में तो ठान लिया था क्या करो ना और क्यों रोना उसके पीछे। संघ के सभी ट्रस्टगणों के खूब खूब आभारी। उनके बारे में तो लिखा उतना कम है। इस कोरोना काल में दिन रात एक करके जो उन्होंने टिफ़िन सुविधा हमें दी है और उस टिफ़िन सुविधा से हमें आगे बढ़ने का हौसला मिला और फिर तो मन ने ठान लिया मानव जीवन को करना है बेस्ट। एक क्षण भी नहीं करना है वेस्ट। वर्षी तब का देना है टेस्ट। शीत शिला पे कायम के लिए बनना है गेस्ट। जय जिनेन्द्र। केसरसूरी समुदाय के गच्चाधिपति आचार्य भगवंत श्री हेमप्रभु सुरेश्वरी महाराज को कोटि कोटि वंदन। आचार्य वर्तमान गच्चाधिपति आचार्य भगवंत श्री विज्ञान प्रभु सुरेश्वरी जी महाराज कोटि वंदन। साजी जी भगवंत श्री जयरत्ना श्री जी महाराज साहब को मथिन वंदामी। उनकी शिष्या साजी जी भगवंत वात्सल्य रत्ना श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा जो हमारे यहाँ पे राजकमल में 2 वर्ष से चातुर्मास में विराजमान है उनको मथेण वंदामी। सभी राजकमल संघ के सभी भाइयों एवं बहनों को प्रणाम। आचार्य भगवंत की कृपा, विज्ञान प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहब की कृपा और हमारे यहाँ विराजमान साधु जी भगवंत वात्सल्य रत्न श्री जी महाराज साहब की प्रेरणा से हमारे राजकमल जैन संघ में एक अति उत्तम तप करने का निर्णय लिया गया और हमारे संघ में वात्सल्य रत्न श्री जी महाराज साहब की प्रेरणा से संघ ने यह निर्णय लिया कि भी हमारे यहाँ पे तप कराएंगे और ये वर्षी तप यहाँ पे शुरू हुआ। शुरू होने के बाद में वर्षी तप बहुत सुंदर रूप से चल रहा था परंतु बीच में कोरोना की तकलीफ से थोड़ा डिस्टर्बेंस भी आया परंतु हमारे सब ट्रस्टियों की मजबूती आचार्य साध्वी जी भगवंत की प्रेरणा मेरे तो साध्वी जी भगवंत की प्रेरणा कि नहीं चालू ही रखना है अपने को और उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने यह तप चालू रखा। घर पे भी हम लोगों ने सबने ब्यासने किए और ब्यासने के 2 महीने तक हमने घर पे भी ब्यासने के बाद में हमारे ट्रस्ट मंडल ने एक निर्णय लिया और एक सामूहिक रसोड़ा शुरू करके और सबके घर पे टिफिन पहुँचाने का कार्यक्रम शुरू किया। वो बहुत सुंदर रिश्ते चला और अभी तक भी वो सब चल रहा है और सुंदर रिश्ते हमारी साल ये तप की पूर्णावती होने जा रही है। इसके लिए सब संघ को और संघ के सभी ट्रस्ट मंडल को और साधु जी भगवंत को खूब खूब अनुमोदना। साधु जी भगवंत की और ट्रस्ट मंडल की भी खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। धन्यवाद। जय जी प्रणाम। वर्षी तप एटले आखा वर्ष दरमियान करवामां आवेलो तप जे आदिनाथ प्रभुए 400 दिवस की घोर तपस्या द्वारा पोतानी निर्जरा करीने कर्म खपावेला। एवी रीतना ज अमे पण 400 दिवस तो तप तो नहीं करी शके पण 1 वर्ष एटले 13 महीनानुं तप करीने ए कर्मनी निर्जना करवानो प्रयत्न करी रह्या छे। एमां सहाय रूपे अमारा घरमां मारा हस्बंड जेने सौथी वधारे मने सपोर्ट कर्यो एमने मने आज्ञा आपी अने पुत्र जेने मने सारी रीते करावू अने माता पिता आदिए मने आशीर्वाद आप्या अने संघ जेने एटली महामारी कोविड जेवी महामारी में पण अमने टिफिननी व्यवस्था द्वारा सारी रीते ब्यासना करावा अने सौथी वधारे उपकार अमारा केसर समुदायना वात्सल्य रत्न महाराज साहबजीना जेमने पोतानी तप जप अने साधना द्वारा आ तप अमने सारी रीते निर्विघ्नपणे पूर्ण करावो। बस बीजू कंई कहेवानुं नथी। हमणा पारणा दिवस नजदीक आवी रह्या छे एटले बस कि अमारामां समताभाव सारी रीते रहीए टकी रहे कायम माटे टकी रहे एवी अमे आशा राखीए छीए।
રાજકમલા તપસ્વીઓ માટે કહીશ, ભગવાને ગમે તેટલું સેટિંગ કર્યું પણ એ લોકો બધાએ કોઈ દિવસ મૌન રાખીને શું કર્યું છે, બગાડ્યું નથી. અને એટલા માટે જ કહે છે કે ભલે હવે પારણું થાય છતાં પણ તપ ત્યાગ અને ધ્યાનની અંદર આપણે આગળ વધતા રહેવાનું છે, એની આગળ જોડાતા રહેવાનું છે. એમ કહેવામાં આવે છે કે જીવનની અંદર સંગ્રહ સભી સદસ્યોને મારા પ્રણામ. જય જીનેન્દ્ર. મંદરા ખૂબ ભાવથી ઉલ્લાસથી વર્ષી તપની શરૂઆત કીધી હતી. દેવગુરુરે કૃપાથી તપ પૂરો વિવાન આવ્યો હે. શરૂઆત મેં લોકડાઉન ટાઈમ થોડી તકલીફ પડી હતી ને સબરો ખૂબ ફોર્સ થયો કે પારણો કરો. લોકડાઉનની ટાઈમ ધારાસભી સદસ્યો ખૂબ સપોર્ટ મળ્યો ને આદિનાથ દાદારી કૃપાથી હિંમતથી તપ આગે વધી ગયો પો. ને આદિનાથ દાદારી ટાઈમ જો ગોચરી ખૂબ અંતરાઈ આવી હતી ને અભોરે કોરોનારી ખૂબ અંતરાઈ આવી. રાજકમલ સંઘને વર્ષિતપરી કમિટીરી જતરી બી અનુમોદના કરવા બધી કમ હે. ને સબ હેંગોરો ખૂબ સપોર્ટ મળ્યો ને આપણી ભક્તિરી ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. ને વાસેલ જસરી મારા સાહેબને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ સપોર્ટ કીધો હેંગોને. મોત જીવ પરભવ જેવો જોઈતો એ પ્રમાણે જીવન ધર્મમય બનાવવો જોઈએ. આ ધર્મની અંદર જોડી અને આપણે પણ આગળ વધીએ અને આપણા જીવનને આપણે સાર્થક કરીએ. ચીન આજ્ઞા વિરુદ્ધ કહે કહેવાય તો મિચ્છા મિત્રો. આદિશ્વર પરમાત્માની પરમ કૃપા, અસીમ કૃપા, પરમ કૃપાળુ અને ગુરુ મહારાજની પ્રેરણાથી આ વશીતપનો વશીતપ સમિતિના સર્વની સૂઝબૂઝ અને સર્વ કાર્યકર્તાઓની લગાતાર મહેનત અને લગનથી આ સર્વનો સાથ સહકાર મળ્યો, તેમજ ઘરમાં સર્વ મેમ્બરોનો પણ સાથ સહકાર મળવાથી આ વશીતપ નિર્વિઘ્ને પૂર્ણ થયું. અને રાજકમલમાં તો એવો ડંકો વાગ્યો, તપસ્યા કરતા કરતા હો કે ડંકા જોર બજાયા હો, કે તપસ્યા કરતા કરતા હો કે ડંકા જોર બજાયા હો. તપસ્યા કરતા કરતા હો કે ડંકા જોર બજાયા હો, જોર બજાયા જોર બજાયા, જોર બજાયા જોર બજાયા, ડંકા જોર બજાયા. તપસ્યા કરતા કરતા હો કે ડંકા જોર બજાયા હો, તપસ્યા કરતા કરતા હો કે ડંકા જોર બજાયા હો. જમણા તપ કેરા કરતા સાસન સોહ ચડાયા હો, તું જમણા તપ કેરા કરતા સાસન સોહ ચડાયા હો. વીર્ય ઉલ્લાસ વધે તેન કારણ, વીર્ય ઉલ્લાસ વધે તેન કારણ, કર્મ નિર્જરા પાયા. તપસ્યા કરતા કરતા હો કે ડંકા જોર બજાયા હો, માલિક તિમ લબ્ધી અડવી સાહો, અડસિદ્ધિ અણિમાલ દિમાદિક તિમ લબ્ધી અડવી સાહો. વિષ્ણુ કુમારા દિક પર જગમા, વિષ્ણુ કુમારા દિક પર જગમા, પામત જયંત જગિસા. તપસ્યા કરતા કરતા હો કે ડંકા જોર બજાયા હો, પદગીર ચડિયા તાપસ આહાર કરાયા હો. ગૌતમ અષ્ટા પદગીર ચડિયા તાપસ આહાર કરાયા હો.
जे तप कर मन का चित तपवे, जे तप कर मन का चित तपवे, क्षमा सहित मुनि राया तपस्या करता करता हो, कि डंका जोर बजाया हो। तपस्या करता करता हो, कि डंका जोर बजाया हो। बरस जिन उत्तम वीर जी भूमि नठाया हो, साढ़ा बार बरस जिन उत्तम वीर जी भूमि नठाया हो, गोर तपे के वण लया तेना, गोर तपे के वण लया तेना, पद्म विजय न में पाया तपस्या करता करता हो, के डंका जोर बजाया हो। तपस्या करता करता हो, कि डंका जोर बजाया हो। जोर बजाया, जोर बजाया। राजकमल संघ श्री शंख के अंदर वर्षी तप का आयोजन तो हुआ, आराधकों भी जुड़े और साथ साथ में इधर रहे हुए साध्वी जी भगवान पण जुड़े, और उसकी प्रेरणा भी उनको, उन लोगों की भी इतनी हिम्मत थी, छोटे छोटे है उसमें से श्री महर्षि रत्ना श्री जी महाराज साहब जिन्होंने एकाश्रय पूर्वक पूरा वर्षी तप की आराधना की और तप त्याग और स्वाध्याय के अंदर हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। और दूसरे यशस्वी रत्ना श्री जी महाराज साहेब और जिनस्वी रत्ना श्री जी महाराज साहेब, जो दोनों ऐसे तो बहने हैं पर एक दोनों हर चीज़ में आगे रहते हैं, दोनों का वर्षी तप मौन पूर्वक हुआ है, ये भी एक 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 बार एक दिन भी बोल एक घंटा भी नहीं बोलने का होता है ना तो अपन को घबराहट होती है, पर जब से इन्होंने दीक्षा ली तब से उनका मौन व्रत चालू है, आप सबको तो इधर पता ही है। तो दोनों गुरु भगवान एक का 4 साल यानी एक का 2 साल हुआ है दोनों मौन से आराधना के अंदर, तब संयम त्याग के अंदर जुड़े हैं और ये तप के अंदर भी जुड़े हैं। उन लोगों का भी मेरे ऊपर बहुत ही साथ सहकार से, मैं भी आज जो कार्य करती हूँ इन लोगों का भी बहुत साथ सहकार रहता है हर चीज़ के अंदर। मेरे गुरु बहन ऋषभ रत्न श्री जी महाराज साहेब उनका भी वर्षी तप चल रहा है, वो भी पालने में पधारेंगे, विनंती की है और जल्द से जल्द वो और दूसरे सिद्धर्षि रत्न श्री जी महाराज साहेब वो भी एकाश्रय और मौनपूर्वक जो आराधना कर रहे हैं इस वर्षी तप के अंदर। संघ बहुत भाग्यशाली है कि 5-5 साध्वी जी भगवान का ये संघ के अंदर पारणा होगा, ये भी बहुत अहोभाग्य की बात है राजकमल संघ के लिए। राजकमल ट्रस्ट मंडल के लिए तो बोलना ही मेरे लिए वो शब्द नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि व्यवहार में जब बेटी बड़ी होती है ना तो उसको विदा कर देते हैं, पर ये संघ ऐसा है कि 2 साल से मेरे को पकड़ के रखा है और 3रा साल का भी इन लोगों ने विनंती जबरदस्त किया है कि विदा करने का नाम नहीं ले रहा है, पर हमको भी हमारा फर्ज के अनुसार कार्य करने का होता है। कोई भी बात रखी है इन लोगों ने बहुत ही हंसते मुख और दिल से इनको स्वीकार कर लिया है, हर कोई के दिल में आज ऐसा है कि ये हमारे गुरुजी है, इतना बड़ा मेरे को मान दिया हुआ है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ कि हर जगह पर तन तोड़ मेहनत किया है, तोड़ मेहनत करके आज जो कार्य अपन इधर तक पहुँचे हैं और पालना भी हो जाएगा उसके भी आगे इन लोगों का आगे का भी अच्छे से अच्छा प्लान है कि हमेशा ये संघ जो एक बन के रहा है, ये संघ के लिए मेरे दिल में ऐसा है हमेशा ये संघ पे ऐसे ही भावना से जुड़े रहे। ये संघ की एक एक और भी खासियत है कि ये संघ के हर सदस्य बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, ऐसा ट्रस्ट मंडल मैंने कहीं और देखा नहीं है, मैंने भी गई चौमा से अलग किए हैं कई अनुभव हुए हैं, पर ये राजकमल ट्रस्ट का जो भी जयंती भाई धीरज भाई महेंद्र भाई और भी जो भी ट्रस्ट है जो भी कार्य करता है, छोटे से बच्चा लेके बड़ा 1 साल से बच्चा लेके 100 साल का जो भी उम्र वाले भी है, सबका प्यार मुझे ये संघ से मिला है और हर चीज़ एक छोटी सी प्रेरणा की लगी, छोटी प्रेरणा है पर कार्य बहुत बड़ा था, फिर भी उन लोगों ने ठाना और आज तक उसको
मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया है। हर बात में वो लोग ने हमेशा हाँ बोली है, वही बड़ा उसका हम, मैं ये संघ की भी हमेशा ऋणी रहूँगी। जहाँ मैं भी जाऊँगी ये संघ के लिए जरूर बोलूँगी। इधर जैसा मैनेजमेंट, इधर जैसी सरलता दूसरी और जगह नहीं मिली है। हर जगह मेरे को ये राजकमल संघ का एग्जाम्पल देने का तो रहेगा ही। लाइफ इज अपॉर्चुनिटी, टेक इट। ये शब्द को कि जो अपने अंदर वास्तविकता है उसको संभावना का रूप देने का बहुत जरूरी होता है। कि बीज के अंदर वास्तविकता है पेड़ बनने की संभावना का, पत्थर के अंदर वास्तविकता है तो मूर्त बनने की उसमें संभावना है। बस वैसे ही आत्मा के अंदर वास्तविकता है परमात्मा तक पहुंचने का। यहाँ के संघ के छोटे मोटे जो भी आराधक है सभी ने इसके अंदर जुड़ के खुद की वास्तविकता को संभावना की तरफ जो मोड़ दिया है, कि जो कितनी भी मुश्किलें आई है उसके अंदर वो लोग अड़ग रहे हैं और आगे जा के जो वास्तविकता संभावना कब बनती है कि जब भी वो समर्पित होता है, जब भी बीज जमीन के अंदर समर्पित होता है तब वो पेड़ का स्वरूप लेती है। वैसे ही पत्थर जब शिल्पी के अंदर समर्पित होता है तभी वो मूर्त बनती है। वैसे ही आत्मा जब भी परमात्मा के पथ पे चलता है तभी उसके अंदर एक अलग ज्योति आत्मस्वरूप प्रकट होता है। वैसे ही तपस्वियों ने भी अपने अंदर की शक्ति को जगा के इस मोड़ को, वास्तविकता को संभावना की मोड़ पे डाल के अपना एक स्वरूप बनाया है। इसके लिए जितना भी अनुमोदना की जाए कम है। वैसे ही कि भगवान ने चार ये वर्षी तप के द्वारा चार हमको उत्तम भेंट दी है। एक तो आचार में अहिंसक बनो, जीवन में अपरिग्रही बनो, विचार में एकांत अनेकांतवादी बनो, और जब भी संकलेश का समय हो तब कर्मवादी बनो। कर्मों को सामने रख के अपने जीवन में आई हुई परिस्थिति को समता भाव से सहन करो। ऐसा बोला जाता है दुख पांच चीज सिखाता है। दुख के भी पांच फायदे हैं। दुख आने से वो जीवन में सीधा बनाता है, दुख आने से जीवन में वो शुद्ध बनाता है, दुख आने से जीवन में वो साधक बनाता है, दुख आने से जीवन में वो संस्कारिक बनाता है, और दुख आने से जीवन में वो सिद्ध भी बनाता है। इसलिए ये दुख प्रभु के जीवन में आने से उसको ये पांच फायदे हुए हैं। वैसे हमारे जीवन में भी हम दुख और सुख की घटमाला में जीते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में दुख आए कि सुख आए हम भी शुद्ध बने, संस्कारित बने, साधक बने, सिद्ध गति को भी प्राप्त करें। वैसे भगवान ने जैसे सिद्ध गति को प्राप्त किया है हम भी वही मार्ग पे चल के वही परम पद को प्राप्त करें। यही अभ्यर्थ है।
कीजिए डंक को बजाए तप करके सिखाया को तप करके सिखाया को कंचन जैसो बनायो वर्षी तप पारणा महोत्सव राज कमल में आयो झूमी झूमियो आदम सारो पहला कभी न देखो इतरो उल्लास भरो नजारो वर्षी तपरा पारणा वर्षी तपरा पारणा शुभ दिन देखो आयो वर्षी तप पारणा महोत्सव राज कमल में आयो सब घरों में क्योंकि तपस्वी जितने भी थे सब अपने कंपाउंड में थे हमने सब घरों में नारियल पानी मिठाई फ्रूट्स हर ब्यासना में सुबह हम एक दिन पहले सबके यहाँ पे भिजवा देते लेकिन फिर भी समिति के दिमाग में आया कि इससे अपना काम चलेगा नहीं तपस्वियों की हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा नहीं कर पा रहे तो ऐसे में हम लोग समिति बैठी और समिति ने तय किया कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि भाई जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक सर्विस दे सके ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेवा कर सके तो इतने में हमारे संघ के जो वर्षितप कर रहे हैं पोपट भाई उन्होंने भी एक सजेशन दिया कि भाई हम कोई रसोईया यहाँ पे रख के यहाँ पे एक उपक्रम चालू कर देते हैं जिसका टिफिन का एक सर्विस चालू कर देते हैं कि सब तपस्वी के अगर अपन टिफिन पहुँचा सके तो हमारे भी दिमाग में बैठा कि ऐसा होना चाहिए फिर रसोइयों को देखने लगे हम लोग दो चार रसोई लेकिन कोई बराबर सही आया नहीं तो पोपट भाई ने उनके कॉन्टैक्ट्स यूज करके अहमदाबाद से धनामंशा ग्रुप के लोगों को उनको वहाँ से यहाँ पे बुलवाया यहाँ पे स्थाई उनको रखा रहने करने सुविधा और वो लोग यहीं पे रहते हैं और रोज़ सुबह एक टाइम के बाद ऐसा भी नहीं कि एकदम जल्दी टाइम के बाद वो उनका रसोई चालू करते हैं और टिफिन पूरा हम लोग रेडी करते हैं उसके बाद हमने सब एक टाइप के टिफ़िन लाए एक टाइप के टिफ़िन ला के सब अलग अलग टाइप की डब्बियाँ लिक्विड अभी कम से कम 20 से 22 आइटम हम लोग भेजते हैं तपस्वी के घर पे एक हमारा तीन खाने का टिफ़िन है वो भी आपको दिखेगा उसके अंदर तीन खाने का टिफ़िन है चार टाइप के लिक्विड होते हैं उसके अंदर गर्म ठंडा चार टाइप के अलग अलग लिक्विड होते हैं उसके बाद हमारे पास तीन टाइप की डब्बियाँ है उसमें हम लोग मेनू में जैसे कि भाई दो टाइप की मिठाई चार टाइप का लिक्विड उसके बाद दो तीन टाइप के फरसान फिर और कोई बेस आइटम जैसे कोई हेवी आइटम उपमा हुआ या गहरिया हुआ या घाट हुआ या इस टाइप के कोई अलग 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 आइटम हम लोग उसके अंदर बोलते अलग रोज़ यानी हर एक दिन के बाद अलग मेनू होता है और वो टिफ़िन लेके पूरा भर के हमारी ये पूरी टीम है यहाँ पे
ये 8 से 10 लोगों की टीम है, वो लोग सब सुबह 5:30 बजे यहाँ पे आ जाते हैं और हम हमारा सर्विस चालू कर देते हैं, कोई पैकिंग करना, कोई क्या करना, कैसे करना, सब व्यवस्थित करके टिफिन हमारे वॉलेंटियर लेके जाते हैं, स्कूटर पे हर एक घर में पहुँचा देते हैं, जिससे कि सभी तपस्वियों को साथा मिले। सभी को जय जिनेन्द्र। ये जो आप सुविधा देख रहे हो टिफिन की, ये शुरू कैसे हुई इसका एक मैं खाली आपको पूरा विवरण बता देता हूँ। जैसे ही हमने वर्षी तप चालू किया, बड़ी जद्दोजहद के बाद हमारे यहाँ वर्षी तप चालू हुआ, 45 से 50 तपस्वी आया उसके अंदर, सब यहाँ पे बैठ के याचना करते थे। और हमारा दुर्भाग्य ऐसे था, समिति का दुर्भाग्य ऐसे था कि उसके अंदर कोविड आ गया। कोविड आने के बाद हमको गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से हमको ये याचना बंद करना पड़ा। बियासना बंद करने के बाद हमने थोड़े दिन, एक आध महीना, सब घर पे कभी नारियल पानी, कभी मिठाई, कभी फ्रूट्स देते थे हर बियासना में। जैसे ही टिफिन की सर्विस हमने चालू करने का नक्की किया, वैसे ही हमारे संघ के श्री मुकेश भाई नाहर ने बोला कि नहीं, मैं टिफिन देता हूँ, हमारी तरफ से आप टिफिन ले लो, टिफिन है, बॉटल है, उन्होंने उनको प्रोवाइड किया, कुछ चीज़ें हमने खरीदी भी है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास आती गई। और हमने कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए किसी को टच करना नहीं, पहले लोग सब तपस्वियों के दिमाग में एक था कि भाई ये कोविड है तो कैसे होगा, क्या होगा, वो टिफिन उन्हीं के पास जाएगा या अलग के पास, इसके लिए हमने हर टिफिन के ऊपर जैसे ये नंबरिंग की हुई है, जैसे एक नंबरिंग होती है वो नंबरिंग की हुई है, हर टिफिन, हर डब्बे, हर मॉडल के ऊपर एक नंबरिंग की हुई है, और वो नंबर के हिसाब से वो टिफिन, उनका टिफिन उनके ही घर जाता है। बोल तो किसी को कोई टच करने का जरूरत नहीं, किसी को कोई करने का जरूरत नहीं, हर एक वॉलेंटियर अपने अपने साथ मास्क में आता है, हाथ सैनिटाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब हम अपना ध्यान रखते हैं। ये हमारे पूरी टीम है, मैं धीरज मेहता, ये हमारे भीमराज जी सुराना है, ये हमारे रमेश जी मेहता है, ये हमारे अनिल भाई जैन है, ये संदीप जी है, ये राजेश पुनमिया जी है, और ये दिनेश भाई। सबसे पहले हमारे दिनेश भाई आते हैं और वो सब जैनापूर्वक किचन में पूरा देखते हैं, देखने के बाद हम लोग एक 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 करके सब लोग आते जाते हैं, 5-10 मिनट के गैप में। धन्यवाद। कैसा व्यवस्था करनी है, कैसा टिपिंग को भरना है, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हमको बताई है। तपस्वियों ने तपस्या करके बहुत बड़ा लाभ लिया, बहुत बड़ी तपस्या है जैनों की, वो बहुत बड़ा लाभ लिया। कमिटी ने और संघ ने आयोजन करके उन्होंने अपना लाभ लिया। हम कार्यकर्ताओं का शायद ऐसा मौका नहीं आने वाला था। हम में से बहुत ऐसे कार्यकर्ता है जो घर में अपना पानी का ग्लास भी नहीं लेते होंगे, पर ऐसे समय में इस व्यवस्था में आके जो इन कार्यकर्ताओं ने काम किया है और गुरु भगवंतों की कृपा से हमको वो करने का मौका मिला, ये भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी चीज़ है। इससे हमारे जीवन में, हम सब कार्यकर्ताओं के जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है, शायद बहुत जनों के हमारे घर में से भी तपस्या है। तो ये सब जब हमने देखा, यहाँ हमने किया, तब हमको हमारे दैनिक जीवन में जो हम आचरण कर रहे थे घर में, उसमें भी हमारे परिवर्तन आया है। ये एक खास है, मेहंदी बांटते हुए है ना, मजदूर के हाथ में बांटते बांटते जो रंग आया, उसकी जो खुशबू है, उसका लाभ हमको मिला, तो हम अपने आप को इसके लिए धन्य समझते हैं। यहाँ पे दिनेश भाई, धीरज भाई और ललित भाई और इन सभी की गाइडलाइन के अंदर और गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के अंदर हमने बहुत अच्छे से काम करने का हमें मौका मिला, सौभाग्य मिला, इसके लिए हम समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और पूरी टीम ने एकजुट होकर बहुत अच्छे से इसको अंजाम दिया है, और इसके लिए सभी कमेटी मेंबर को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, और समिति के और ट्रस्ट मंडल को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें ये सौभाग्य मिला। हमने जो ये टिफ़िन की व्यवस्था की है, जब कोविड आया तभी मुझे भी ऐसा लगा कि एक दूसरे को हमको मिलना नहीं है, दूर रहना है, पर जब भी हमने सबके लिए सोचा और हमने ये सोचा कि हम इस पर नंबर डाल के हर आदमी को वही टिफ़िन उसका ही रोज जाएगा और वही साफ़ करके वापस यहाँ भेजेगा, तो उसको भी एक मेंटली सेटिस्फेक्शन रहता है कि भाई मैंने मेरा ही टिफ़िन को हाथ लगाया है, मेरे टिफ़िन से ही खाया है। तो वो तपस्वियों को हमेशा बहुत अच्छा आधार रहा है, दे वर मोस्ट हैप्पी विद दिस थिंग। दूसरा, हम सब ने यहाँ मिल के हर काम सब ने किया है, ऐसा नहीं कि ये काम मेरा ही है तो मैंने किया है, ये उनका है तो उन्होंने, जो पहले आया उसने वो चीज़ का काम चालू किया है। हम ये सब कार्यकर्ता मिलके 7 बजे हम ये टिफ़िन भरना चालू करते हैं और 7:45 तक हमारे टिफ़िन करीब करीब सब भरे जाते हैं, और अगले 15 मिनट में
ये सभी तपस्वियों के घर पर ये टिफिन पहुंच जाते हैं। तो टिफिन में हर चीज़ गर्म होती है, उसी टाइम बनी हुई होती है और जैना का महत्तम उपयोग किया जाता है। इसी तरह करीब करीब 15 से 16 आइटम हर ब्याह से करीब। धीरज भाई के परिवार से अगर कमलेश भाई को याद नहीं करता हूँ तो बहुत गलत करता हूँ। कल के दिन ही एक साल पहले हमने कमलेश भाई को खोया था। एक कर्मठ कार्यकर्ता हमारे साथी, बात संघ की हो, बात कंपाउंड की हो, व्यवस्था की हो, हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहता था। उसको हमने एक साल पहले खोया था और अगर आज हम कार्यकर्ता उनको याद नहीं करते तो बहुत गलत करते। परिवार इनको इस दुख को सहने की बहुत बहुत शक्ति दे। वो हमेशा तत्पर रहते थे और अपने विचारों से भी प्रखर होते थे। जो वो सोचते हैं वो क्लियर बताते थे और बहुत ही अच्छा नेचर था। शायद भगवान ने इस ज़माने में ऐसे लोग ही बनाने बंद कर लिए और कुछ थे उनको जल्दी बुलाया। तो ये हमारे भगवान से हमेशा हमारी वेदना रहेगी कि बहुत गलत हुआ। ये टिफ़िन सर्विस जो हमने चालू की थी, हो सकता है इसके अंदर हमारी तरफ से कुछ त्रुटियां भी कभी कभी होती होगी, किसी को तकलीफ भी होती होगी। ऐसी किसी भी त्रुटि के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हम पूरे अपना समिति की तरफ से और हमारे सब वॉलेंटियर भाई की तरफ से हम इच्छामी दुकड़म मांगते हैं सभी तपस्वियों से, सभी संघजनों से। हमसे कुछ भी गलती हुई हो, कुछ भी करने में कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो उसके लिए इच्छामी दुकड़म। जय जिनेंद्र। पूरा वसी तपरा दरमियान हमारा तरफ से कोई भी गलती हुई है तो पूरा संघ तरफ से वो हमारा टीम तरफ से मिच्छामी दुकड़म।